दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए जो आयुष्मान कार्ड की ऑपरेटर आईडी है वो फिर से सबको मिलना स्टार्ट हो गया है, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान कार्ड का ऑपरेटर आईडी लेना चाहते हैं, आप उससे न्यू एनरोलमेंट करना चाहते हैं, लिंक आधार करना चाहते हैं या फिर कार्ड डिलीवरी करना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो को कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कैसे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और कैसे आपको यहाँ पर अप्रूवल मिलेगा। सब कुछ इस वीडियो में आपको कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो अगर आयुष्मान कार्ड का ऑपरेटर आईडी लेना चाहते हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। और वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। जैसे ब्राउजर को ओपन करेगा यहां आपको टाइप कर देना है बेनिफिशियरी, ठीक है। पहले आपको टाइप करना है beneficiary.nha.gov.in, ठीक है। पहले आपको इतना लिखना है, लिख के आपको सर्च कर देना है। जैसे आपने लिख के सर्च करिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ आपको साइड में स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको देखना है, यहाँ पे दो ऑप्शन देखने मिलता है, पहला बेनिफिशियरी का और दूसरा ऑपरेटर आईडी का। अब अगर आप ऑपरेटर आईडी लेना चाहते हैं तो आपको ऑपरेटर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा साइनअप का ऑप्शन, आपको साइनअप वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपके पास सी एस सी सेंटर है तो आप सी एस सी लॉगिन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी सी एस सी लॉगिन नहीं हो रहा तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर साइनअप वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बस साइनअप वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे साइनअप वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे साइनअप वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने लगा। आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको देखने मिलता है यूजर मैनेजमेंट पोर्टल, ठीक है। आपको नीचे आना है, यहाँ साइनअप का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जिनके नाम आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके आधार नंबर को यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे वैलिडेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो आपको यहाँ पर EKYC मोड में आना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन देखने को मिलता है आधार EKYC का और दूसरा आधार फिंगरप्रिंट का। तो अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आधार EKYC पे क्लिक कर लीजिएगा तो आपके आधार में लिंक मोबाइल नंबर को ओटीपी को सेंड किया जाएगा। ओटीपी आपको फिल करना है, फिल करके आपको यहाँ से लॉग इन हो जाना है। आप लॉग इन हो जाएगा, लॉग इन होने के बाद देखिएगा यहाँ आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। जो भी आपका नाम होगा पहले नाम देखने को मिल जाएगा, जेंडर, आपका एज, जो भी आपका पूरा डिटेल है, जो आधार कार्ड में डिटेल होगा वही डिटेल यहाँ पे फेच कर लेगा। उसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आपको देखा करंट एड्रेस इज सेम एज आधार एड्रेस। अगर आपका करंट एड्रेस और आधार एड्रेस सेम है तो आपको इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको अपना करंट एड्रेस यहाँ आपको फिल कर देना है। इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना, नीचे यहाँ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ आप देखिएगा तो ईमेल आईडी को आपको यहाँ पर टाइप करना है। न्यू ईमेल आईडी को टाइप करिएगा, जो भी आप यहाँ पे UMP पोर्टल पर कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे वही ईमेल आईडी को यहाँ पर टाइप करना है। वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इतना करिएगा तो आपके आप जो आपका ईमेल आईडी होगा उस पर एक लिंक को भेजा जाएगा। आपको ईमेल आईडी को ओपन करना है, लिंक पर क्लिक करके उसके यहाँ पर उसको वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद यहाँ आपको मोबाइल नंबर को टाइप करना है, वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके मोबाइल नंबर को ओटीपी को सेंड किया जाएगा। आपको बस क्या है क्या करना है, ओटीपी को फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर देखिएगा वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन में, यहाँ ग्रीन में हो जाएगा इसका। जैसे मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा आपको नीचे देखने को मिल जाएगा ऐड रोल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऐड रोल का ऑप्शन आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी आपका स्टेट है पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है SHA। उसके बाद आपको अपने स्टेट का नाम लिख के इसको कर लेना है, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको देखने में जाएगा एंटिटी टाइप, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ आपको देखने में जाएगा बहुत सारा ऑप्शन, यहाँ पे कार्ड क्रिएटर एजेंसी, कार्ड प्रोसेसिंग एजेंसी। तो अगर आप कार्ड को क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको कार्ड क्रिएशन एजेंसी को सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आपको अगर कुछ और करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डिवीजन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे आपको देखते हैं एंटिटी नेम का ऑप्शन, आपको एंटिटी नेम पे क्लिक करना है और यहाँ आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आपका CSC है तो आपको CSC को सिलेक्ट कर लेना है। CSC को सिलेक्ट करेगा यहाँ आपको देखते हैं यूजर रोल का ऑप्शन, आपको यूजर रोल पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिएगा तो आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, एजेंसी, ऑपरेटर, ऑपरेटर BIS। तो चलिए ऑपरेटर BIS को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपको देखते हैं एप्लीकेशन का ऑप्शन, आपको एप्लीकेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ आपको BIS को सिलेक्ट कर लेना है। अब सेलेक्ट करने के बाद यहां आपको देखने मिल जाएगा एडमिन कोड का एक ऑप्शन, आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा और कैसे एडमिन कोड आपको मिलेगा वो चलिए हम बात कर लेते हैं। एडमिन कोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपको एडमिन कोड नहीं मिल पा रहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा एक नए ब्राउजर को ओपन करना है। CSC है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां आपको एक अपने मोबाइल या लैपटॉप में कोई सा एक ब्राउजर को ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहां आपको टाइप करना है CSC, ठीक है। CSC टाइप करिएगा, CSC टाइप करने के बाद आपको लिखना है बैंक मित्र, आपको इतना लिखना है, इतना लिख के आपको सर्च कर देना है। अब जैसे इतना लिख के सर्च करिएगा
कि हम जो पहला जो लिंक देखने मिलता है CSC बैंक मित्र, यहाँ पे आपको बस इसी वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। अब जैसे इस लिंक पे क्लिक करेगा तो आपके सामने देखिएगा कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने मिलेगा। यहाँ पे आप CSC पोर्टल पर ही लॉगिन हो जाइएगा, लेकिन ये अलग तरीके का पोर्टल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको अब आपको एडमिन कोड कैसे मिलेगा आप ये सोच रहे होंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखने मिलता है कॉन्टैक्ट अस का एक ऑप्शन, आपको इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, क्लिक करेगा तो यहाँ देखिएगा आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, पहला डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का और दूसरा FI बैंकिंग ऑफिसर का। तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है बस आपको इसी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले स्टेट का ऑप्शन, आपका जो भी स्टेट है आपको अपने स्टेट को सिलेक्ट करना। चलिए हम अपने स्टेट को सिलेक्ट करते हैं, जो भी आपका स्टेट होगा आप अपने स्टेट को सिलेक्ट करिएगा। आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर देना, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिएगा। चलिए हम अपने डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिएगा, ये नहीं कि यही आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिएगा। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सबको सर्च वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करेगा तो यहाँ देखिएगा आपके जो डिस्ट्रिक्ट के मैनेजर होंगे, जो DM होंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे उनका नाम देखने को मिल जाएगा, उनका डेजिग्नेशन आपको देखने को मिल जाएगा, उनका मोबाइल नंबर देखने को मिलता है, और उसके बाद आप साइड में इधर साइड में स्क्रोल करिएगा तो आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भी उनकी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक CSC से रिलेटेड रहते हैं। CSC का जितना भी वर्क होता है वो इनके माध्यम से ही किया जाता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो मोबाइल नंबर है इस पर आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको इस मोबाइल नंबर पर पहले कॉल कर लेना है। अगर कॉल नहीं लग रहा है तो आपको अपने मोबाइल नंबर से जो आपके CSC में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसी मोबाइल नंबर से आपको इनको मैसेज कर देना है। और आपको मैसेज करने के बाद क्या कहना, चलिए वो बात कर लेते हैं। उनके व्हाट्सएप पे आपको कॉल SMS करना है, हाय हेलो का कुछ भी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसी का आपका रोल जो ये ऐड रोल है इसी का आपका स्क्रीन शॉट लेना है, और बेनिफिशरी जो पोर्टल है मेन पोर्टल का आपको स्क्रीन शॉट लेना है और उनके व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। मैसेज करिएगा और आपको उनको बोल देना है कि सर हमको एडमिन कोड की ज़रूरत है, आप हमको एडमिन कोड प्रोवाइड कर दीजिए। तो आपको एडमिन कोड वो प्रोवाइड कर देंगे, आपका एडमिन कोड जो DM जो DM के थ्रू मिलेगा, जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के थ्रू आपको एडमिन कोड मिलेगा वो हमेशा के लिए रहेगा। आपका जो ID बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है या फिर ब्लैक लिस्ट हो जा रहा है, तो आपका ना ID ब्लैक लिस्ट होगा ना ही रिजेक्ट होगा, और आपका 100% ये वर्क करेगा और आपका ID बहुत ही जल्दी अप्रूव हो जाएगा, वो भी DM के थ्रू अप्रूव होगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो इस तरीके से आप अपने ID को अप्रूव करवा सकते हैं अपने घर बैठे अपने मोबाइल के लैपटॉप के माध्यम से ही। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।